हेलो, अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैंडिडेट्स, हमने कल पीएसटी की जो लिस्ट थी, तालका वाइज जो डेटा आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें तालका वाइज आपको पता चल रहा था कि 40 से 54 तक मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट्स का तादाद कितना है आपके तालका में या तहसील में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कहा था कि आप जीएसटी की लिस्ट भी ऐसे बनाएं, तो इसलिए मैंने जीएसटी की भी लिस्ट बनाई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके तालका या तहसील में कितने कैंडिडेट्स 40 से 54 तक के दरमियान है। ठीक है, तो आज हम इस जो वीडियो में सारी डिटेल्स, आप सारे डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्टें हैं वो शेयर करेंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखें अगर आपको अपने तालका या किसी ज़िले की लिस्ट चाहिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स 54 तक आते हैं, 40 से 54 तक। तो ये तालका वाइज मेरिट लिस्ट नहीं है, मेरिट लिस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट लगाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद डिटेल्स के लिए। कैंडिडेट्स देखें, ये मैंने लिखा हुआ है जीएसटी मेल कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जो मैंने अभी लिस्ट जो बनाई है, ये जस्ट मेल की लिस्ट बनाई है। ठीक है, मेल की लिस्ट इसलिए बनाई है कि मेल की लिस्ट इसलिए बनाई है कि ताकि फ़ीमेल की मैं लिस्ट अलग बनाऊंगा, मेल की कोटा अलग होती है, इसलिए मैंने मेल की अलग लिस्ट बनाई है। जैसे ही फ़ीमेल की लिस्ट बनाऊंगा उसकी भी मैं वीडियो रख दूंगा, और उसमें भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट या तालका वाइज देख सकते हैं फ़ीमेल की भी। और फीमेल की पीएसटी की जो मैंने लिस्ट कल फेसबुक के पेज पर शेयर कर दी थी सर्विस इंसाइक्लोपीडिया पर, तो वहाँ पर आप मेरे पेज पर भी देख सकते हैं फ़ीमेल की पीएसटी वाली लिस्ट। ठीक है, और जीएसटी की जैसे ही मैं बनाऊँगा आपसे शेयर कर दूँगा। देखें, ये कराची वेस्ट है ज़िला, इसके ये तालका हैं, सारे तहसील हैं, और उसमें इतने इतने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ठीक है, पास मतलब ये जस्ट पास हुए हैं, इनको ऑफर आर्डर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो कोटा पे डिपेंड करता है उनकी तालका की, या फिर जो टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट आएगी उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे तालका हैं कराची वेस्ट के, बल्दिया टाउन, हार्बर, क्यामारी टाउन, मंगोपीर, मौरीपुर, मेमुनाबाद, औरंगी टाउन, साइड टाउन। ये इतने कैंडिडेट 40 से 50 तक आ रहे हैं। ठीक है, 40 से 50 तक इतने कैंडिडेट्स हैं, फिर 51 से 54 तक इतने इतने कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट तालका वाइज लिस्ट लगाएगा कुछ दिनों में, जैसे लगेगी वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि टॉप टू बॉटम तालका वाइज मेरे लिस्ट लगी होगी। अगर आपका नंबर उस कोटा की सीट्स में आता होगा तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप वेटिंग में जाएंगे। ठीक है, बल्दिया टाउन में देखें ये कितने 49 है, जैसे 51 से 54 तक 18 स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं। ऐसे ही आप अपने तालका के देख सकते हैं इस लिस्ट में से कि इतने कैंडिडेट्स हैं 51 से 54 तक के, या 40 से 50 तक अभी जो न्यू पॉलिसी में पास हुए हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपको नंबर पता चलेगा, टॉप टू बॉटम जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि आपको ऑफर आर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वैकेंट सीट का पता होगा तो। और दूसरी स्लाइड देखते हैं, इसमें थरपाकर डिस्ट्रिक्ट थरपाकर के ये देखे तालका हैं, डिस्ट्रिक्ट थरपाकर के तालका हैं, छाछरो, धाली है, डीपलो है, इस्लामकोट है, कलोई है, मिट्टी है, नगर बाकर है। ठीक है, ये सारे तालका हैं, इसमें ये देखें नंबर है ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 40 से 50 तक आ रहा है और 51 से 54 तक आ रहा है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, स्क्रीन शॉट लेते जाएं। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान, टंडो मोहम्मद खान के ये तालका हैं, बुलडी शाह करीम, टंडो गुलाम हैदर, टंडो मोहम्मद खान, उसके ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 40 से 50 तक और 51 से 54 तक। टंडो मोहम्मद खान के बाद ये बद्दीन डिस्ट्रिक्ट, बद्दीन डिस्ट्रिक्ट के ये तालका हैं, बद्दीन, कुलाची, मातली, शहीद फजल राव, तलार, टंडो बागो। तो ये जो लिस्ट है मैंने बनाई है, उसमें से जीएसटी की जो लिस्ट है या पीएसटी की लिस्ट सील्ड की साइट पे, सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट वाली साइट पे जो पड़ी हुई है, जैसे उनके तालका लिखे हुए हैं वैसे ही मैंने बनाए। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये कुछ तालका ये सेम है शायद कुलाची और शहीद फजल राव, तो जैसे भी हो वो मैंने क्या सील्ड की साइट से लिए, जैसे ही वहाँ पर डेटा पड़ी उसी से मैंने डेटा लिए। ठीक है, अगर गलती है तो उसमें शायद हो या कुछ भी हो, लेकिन मैंने उस हिसाब से लिस्ट बनाई है। बदिन के बाद है सेंट्रल कराची, सेंट्रल कराची के देखें ये तहसीलें, गुलबर्ग टाउन है, लियाकताबाद टाउन है, नाजमाबाद है, न्यू कराची है और नॉर्थ नाजमाबाद, इनके कैंडिडेट्स इतने इतने 40 से 54 तक आ रहे हैं। इसके ऊपर भी कैंडिडेट्स हैं जिनको पहले ऑफर आर्डर मिल चुका होगा या मिलेगा, तो टॉप टू बॉटम वाइज आपको आर्डर तालका वाइज अब मिलेंगे। यूसी वाइज पॉलिसी अब ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, यूसी वाइज अब पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है, जो कि कल पॉलिसी भी मैंने आपसे शेयर कर दी थी फेसबुक पर। सेंट्रल कराची के बाद है दादू, दादू में देखें तालका है दादू, जोई, खैरपुर नाथ अच्छा एंड मेयर, इसमें इतने इतने कैंडिडेट्स पास हुए, आप स्क्रीन शॉट ले लें।
इसके बाद है लाकाना, लाकाना के तालकाएं बकरानी, डोकरी, लाकाना एंड रत्तोदेरो। लाकाना के बाद है हैदराबाद। हैदराबाद की ये लिस्ट देख लें, ये फेसबुक पे भी मैंने शेयर कर दी थी। हैदराबाद है, उसमें हैदराबाद सिटी है, लतीफ़ाबाद है, कासमाबाद, ये इनके तहसीलें हैं। और ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है जो कि 50 से 54 तक आ रहा है। तो ये JST मेल कैंडिडेट्स हैं, आप नोट कर लें। फ़ीमेल की अलग मैं लिस्ट बनाऊँगा। PST की मैंने फ़ीमेल बना ली थी और JST की ये है, और इंशाल्लाह मैं फ़ीमेल की शाम तक या कल तक बना लूँगा। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरिट वाइज तालका वाइज जैसे ही लिस्ट शो करेगा तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि वैकेंसी पोजीशन कौन सी क्या है। तो वैकेंसी पोजीशन आपको जस्ट DO प्रोवाइड कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिसको हम कहते हैं। अगर वो उस उन्होंने शेयर की होगी आपके ज़िला में किसी फेसबुक पेज पर या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शो की होगी तो आपको मिल जाएगी वहाँ से। अगर शो नहीं की तो आप DO से रिक्वेस्ट करके वहाँ से ले सकते हैं वो वैकेंसी पोजीशन के, आपके तालका में या आपकी UC में कितनी वैकेंट सीट्स हैं। तो टॉप टू तो बॉटम जो मेरी लिस्ट बनेगी उस हिसाब से बनेगी, ठीक है। हैदराबाद के बाद है उमरकोट। उमरकोट में ये देखें तालका है कुंडरी, पिथोरो, समारो, उमरकोट, उस्मानकोट। इसके बाद है ईस्ट कराची। ईस्ट कराची में देखें ये तालका फिरोज़ाबाद है, गुलशन टाउन है, गुलशन इकबाल है, गुलजार हिजरी है एंड जमशेद टाउन है। इसके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे आप देख लें कि कितने आ रहे हैं। इस कराची के बाद है घोटकी। घोटकी में ये तालकाएँ डहरकी, घोटकी, खानगढ़, मीरपुर, माथेलो, उबाड़ो। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 40 से 50 तक, 51 से 54 तक ये हैं। कोरंगी कराची है, कोरंगी कराची देखें ये कोरंगी टाउन है, लांडी टाउन है, मली टाउन है, शाह फैसल टाउन है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है। ये लिस्ट मैंने खुद कंपाइल की है, सील्ड की वेबसाइट्स में इसमें थे, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की तरफ से नहीं है, मैंने खुद कंपाइल की है डेटा में से, डेटा लेके, ठीक है। तो इस पर आप किसी को ये रेफ़र कर दें तो ये जस्ट आपको डेटा प्रोवाइड करेगा कि इतने इतने कैंडिडेट्स हो रही हैं, इसमें थोड़ी बहुत कहीं पर मिस्टेक हो सकती है माइनर, लेकिन ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की नहीं है, ये मैं आपको बताता जाऊँ, ठीक है। कोरंगी कराची के बाद है खैरपुर। खैरपुर के ये देखें तालका या तहसीलें फैज़गंज है, गंबट है, खैरपुर है, किंगरी है, कोटडीजी, नाड़ा, सोबोदेरो एंड थरी मीरवा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं जिसकी तालका की आपके पास लिस्ट, अगर आपको चाहिए अपने तालका की या अपने डिस्ट्रिक्ट की तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इतने कैंडिडेट्स पास हुए हैं इतने नंबर में। ये JST मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। खैरपुर के बाद है मलीर कराची। मलीर कराची के तालका बिन कासिम, गडाप टाउन, इब्राहिम हैदरी, जिना एंड मलीर टाउन, मुराद मुराद मेमून शाह, शाह मुराद, ठीक है। इसमें मलीर कराची की जो है यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे लग रही है, मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। तो जिना का जो है जिना में 51 से 54 तक मैं आपको नोट करा दूं। ये देखें ये फिल्टर लगा हुआ है इधर मेल का, ये इधर आप करेंगे फिल्टर, देखें ये फ़िल्टर लगाना होता है। फ़िल्टर लगाने के बाद आप जाएंगे मलीर कराची में, ठीक है। ये आ गया मलीर कराची। इसमें है जो तालुका है जिन्ना, 50 से 54 तक कोई नहीं है, ठीक है। 50 से 54 तक कोई नहीं है इसलिए ये ज़ीरो होगा, इधर ज़ीरो आएगा, ये आप अपने पास अपडेट कर देना, ठीक है। ये ज़ीरो हो गया। और मली टाउन के देखें, मली टाउन के है और मुराद में मुड़े, जिन्ना में कोई भी पास नहीं है 40 से 50 तक और 51 से 54 तक, तो ये ज़ीरो हो गया। इसके बाद है तालका मीरपुर खास। मीरपुर खास में देखें डिगड़िए, हुसैन बख्शमरी और जुडोए, कोट गुलाम मोहम्मद है, मीरपुर खास है, शुजाबाद है एंड सिंधड़िए। ये तालका है मीरपुर खास के और इनके नंबर्स। और कंबर शहदाद कोट है। कंबर शहदाद कोट में देखें कंबर है, कोबो सईद खान, मीरो खान, नसीराबाद, शहदाद कोट, सुजावल जोनरेजो एंड वारे। इसके बाद है सांगढ़। सांगढ़ में देख लें जाम नवाज ललिए, खिपरोए, सांगढ़, शहदादपुर, सिंजोरो, टंडो आदम तालका, उनके कैंडिडेट्स।
नौशेरो फेरोस, तालका बेरिया, कंडियारो, मेरापुर, मोरो, नौशेरो फेरोस। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 40 से 54 तक। इसके बाद साउथ कराची, साउथ कराची के देखें ये लिस्ट, ये मैं फेसबुक पर भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। फेसबुक पेज मेरा है सर्विस इंसाइक्लोपीडिया नाम के, यहाँ वहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ठीक, अच्छी बात है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो आप मेरे पेज सर्विस इंसाइक्लोपीडिया पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे मैं कंप्लीट लिस्ट शेयर कर देता हूँ। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, बताएंगे तो मैं करेक्शन करके वो अपलोड कर दूंगा। सुजावल के बाद है, देखें सुजावल के बाद है सखर, सखर में ये तालका है न्यू सखर, पनवाकल, रोहिड़ी, सालेपट एंड सखर। बल्दिया टाउन में देखें, साइड टाउन है क्यामाड़ी, कराची, फिशारबर, बल्दिया टाउन। मटियारी में देखें, हाला, मटियारी, सईदाबाद, इसके ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। मटियारी के बाद है टंडोलया, टंडोलयार में चंबर, जनरोमाड़ी, टंडोलयार, टंडोलयार के बाद है कश्मोर, कंदकोट, कश्मोर, तागवाणी, ये इसके तालकाएँ और उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जे एस टी। जामशोरों के कोटड़ी, मांजन, सेवन शरीफ एंड टंडो बुलाकान। तो जहाँ पे कैंडिडेट्स कम पास हुए हैं तो उन्होंने एक लिस्ट दी थी पॉलिसी में, जिसमें कुछ तालका थे जहाँ पे 40 से कम मार्क्स वाले भी ले सकते हैं। जामशोरों के बाद है शहीद बेनदीराबाद, शहीद बेनदीराबाद में ये चार तालके हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको बताया गया है, जिसमें चार तालकाएँ दौलतपुर है, दो रे, नवाबशाह है, सकरंडे। इसके बाद है शिकारपुर जिसमें गढ़ी यासीन है, खानपुर है, लाखी है, शिकारपुर है, ठीक है, ये चार सब के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, शिकारपुर। इसके बाद देखें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैकबाबाद, जैकबाबाद गढ़ी, खेरो, जैकबाबाद थल। इसके बाद है ठट्टा, घोड़ाबारी, केटी बंदर, अमीरपुर साकरो, ठट्टा। देखें ये इधर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, तो जो पॉलिसी बनी है इस हिसाब से ही बनी है कि जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है, जहाँ पास ही कम हुए हैं। देखें ये इधर एक है, सात है, दो है, जीरो है, 50 से ऊपर तो जस्ट एक दो कैंडिडेट्स आ रहे हैं या दो आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने 40 पे कम कर दिया है। 40 पे कम करने का मकसद उनका ये है कि 25 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होंगे वो उठाएंगे, उनको ट्रेनिंग कराएंगे और एक माह के बाद वो उनको फिर टेस्ट लेंगे, अगर 40 मार्क उठाते हैं तो उनको ऑफर आर्डर मिलेगा। तो ये सारे लिस्ट थी जो भी आपसे शेयर की गई है, ये 30 डिस्ट्रिक्ट से सिंध के। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें था तो आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके या मेरे फेसबुक पेज पर भी आप ले सकते हैं, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट या तालुका में कितने कैंडिडेट्स 40 से 54 तक आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें, वहाँ पर हम जो टेस्ट होते हैं अक्सर उसकी हम तैयारी करते रहते हैं, अभी वैक्सीनेटर्स की भी तैयारी हम करा रहे हैं, PST GST के भी मैंने साइंस के नोट्स बनाए थे, इंशाल्लाह जो भी आगे टेस्ट वगैरह आएंगे तो इंशाल्लाह उनकी भी टेस्ट की तैयारी करते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।